पिछली दिवाली गिफ्ट था ये कैमरा जिससे अभी ब्लॉग बन रहा है, और अभी का जो दिवाली गिफ्ट है जय बद्रीशाल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल YB Vlogs में। और सबसे पहले तो आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज दीपावली जो हिंदुओं का पावन पर्व है, दीपावली का दिन है, तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछले व्लॉग में जो मैंने आपको बताया था कि मेरा दीपावली गिफ्ट आने वाला है, वो गिफ्ट पहुँच चुका है। कल बंटी भैया आए थे तो वो लाए हैं, तो कल काफ़ी लेट से पहुँचे, तो कल मैं वीडियो बनाने की कल ही सोच रहा था लेकिन कल नहीं बना पाया। तो अभी मैं जा रहा हूँ दादी लोगों के यहाँ, वहाँ भैया है जो मेरा, वो गिफ्ट है वो भी वहीं पे है। तो अभी चलते हैं वहाँ और देखते हैं कि क्या गिफ्ट मुझे मिला है। और अभी अरमान और मैं पहुँच चुके हैं दादी के घर पर, भैया कल यहीं पर था। तो अभी देखते हैं गिफ्ट, काफ़ी एक्साइटमेंट हो रही है देखने के लिए। वैसे मुझे पता तो है लेकिन एक्साइटमेंट फिर भी है। ओ भैया, और ये देखिए यहाँ पे हेलो दोस्तों, फोन पे बैठा हुआ है कौची भाई। प्रणाम 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 कौची, पर फोन लेना है बोल ना तू। हेलो, यहाँ देखो, अरे गिफ्ट को ऐसा डालता, बेर गार्डन, बेर गार्डन कैसे डालता भाई, इतना महंगा है तो चलिए इसकी ओपनिंग करते हैं। अभी पिछली दिवाली गिफ्ट था ये कैमरा जिससे अभी ब्लॉग बन रहा है, और अभी का जो दिवाली गिफ्ट है ये आईफोन 12। तो कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, इस बार का गिफ्ट तेरे लिए ये आईफोन। चलिए इस फोन की ओपनिंग करते हैं अभी, और फोन देखे सबसे पहले दिख रहा होगा नाम, ये है आईफोन 12। देखो होगा, और एक बार पहले खुल चुका है ये, फिर भी मेरे हाथों से ओपनिंग हो रही है। पासवर्ड किस लवाई? और फाइनली मेरे हाथों में आ चुका है मेरा ब्रांड न्यू आईफोन 12, और इसके साथ मिलाया है एक डेटा केबल बस। तो चलिए ये फोन भी आ गया, तो आज मैं आपको अपने सारे गैजेट्स जो भी मेरे पास है जिससे मैं ब्लॉगिंग करता हूँ वो सारी चीजें दिखाता हूँ। अभी अभी हम लोगों को पता चला है कि यहाँ पे नदी के किनारे एक बछड़ा जो है वो फंसा हुआ है। तो हम सभी लोग, भैया लोग भी हैं, अरमान और बहुत सारे लोग हैं, आपको दिखाऊंगा। तो उस बछड़े के रेस्क्यू के लिए अभी हम लोग जा रहे हैं, और दो तीन दिन से वो फंसा हुआ है, हमें आज ही पता चला है। तो हम लोग 6-7 लोग हैं, तो सभी लोग आके जो बछड़े को बचाने के लिए ऊपर निकालने की कोशिश करेंगे। और ये देखिए, ये बछड़ा शायद यहाँ ऊपर से कहीं नीचे गिर गया था, तो अभी यहाँ पे अटका हुआ है। दो तीन दिन से यहाँ पे था, हमें आज ही पता चला है, इसलिए हम लोगों को अभी पता चला और तुरंत आ गए हैं। यह है प्रफुल्ल भाई, अक्की भाई,
और भैया लोग भी यहाँ से आ रहे हैं यहाँ से। तो अभी यहाँ से ऊपर कैसे, क्योंकि रास्ता थोड़ा सा खतरनाक है, रास्ता बिल्कुल भी नहीं है, तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि यहाँ से ऊपर किस प्रकार से ले जाया जाएगा। और आधे से एक घंटे की मेहनत के बाद ये जो बछड़ा है अभी सीधे जगह पे आ चुका है और सभी लोग यहाँ पे बैठ के रेस्ट कर रहे हैं। यहाँ से थोड़ा ही ऊपर है, वहाँ पे यहाँ से ऊपर थोड़ा सही है, वहाँ से सीधा सीधा है। तो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम लोग वहाँ तक इसको ले जाएंगे। और जिसका ये बछड़ा है शायद उन्हें पता नहीं है या पता भी है, वो निकालने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, तो हम लोगों ने अभी निकाल दिया है। 3 दिनों से गाय यहीं पर फंसी हुई थी और शायद इसने कुछ भी नहीं खाया है, तो अब जाके यहाँ पे जो घास है वो खा रही है। बछड़ा है छोटा सा और काफ़ी जगह पे लगा भी हुआ है, शायद यहाँ से घास खाते खाते हुए यहाँ नीचे गिर गई थी। तो अभी 2-3 दिन के बाद इसे खाने को मिल रहा है। हम लोगों को भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, इतने सारे लोग यहाँ पर इस बछड़े की मदद करने के लिए मौजूद थे। आराम से जो गाय है उसका रेस्क्यू हम लोगों ने कर लिया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तक पहुँच चुके हैं। यहाँ से पीछे जो सीधा रास्ता है वो शुरू है और ये देखिए यहाँ नीचे से हम लोगों की मेहनत से अभी जो बछड़ा है वो यहाँ तक पहुँच चुका है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि 2-3 दिन से परेशान था और हमें अभी पता लगा तो हम सब लोग तुरंत यहाँ पर पहुँचे। चल तो चलिए आज के इस ये वाले ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। जो मेन दिवाली वाला ब्लॉग आएगा वो कल आएगा, तो इस वाले को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल YB Vlogs को।